सो हेलो एंड गुड मॉर्निंग गाइस फ्रॉम पुरी। राइट नाउ वी आर इन पुरी। यस, पिछले एक दिन से हम लोग पुरी में ही हैं। कल हम लोग आए थे यहाँ पे, उसके बाद ये रूम लिया था। बड़ा ही बकवास रूम है। बाथरूम के अंदर घुसते घुसते बाथरूम खत्म हो जाता है। गलती से भी इस जगह पे मत रुकना, ये मैं बोल दे रहा हूँ आपको। प्लस एक और दो चीज़ें थी जो मैं आपको बाद में मेंशन कर दूंगा कि थोड़ी बहुत और भी यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो वो मैं आपको बाद में मेंशन कर दूँ। सेकंड चीज़ ये है कि अभी अपन लोग नहा धो के हो गए हैं रेडी की बात। अभी अपन नहा धो के हो गए हैं रेडी और जा रहे हैं जगन्नाथ मंदिर। जगन्नाथ मंदिर से आने के बाद हम लोग निकलेंगे बाकी सब जगहों में घूमने के लिए, कि लिस्ट में बहुत सारी जगह हैं। कोणार्क टेम्पल है, लिंगराज लिंगेश्वर मंदिर है, और भी नंदन कानन पार्क है। वो नंदन कानन पार्क हम लोग कल करेंगे। और एक कौन सा केव था, खंडागिरी केव। खंडागिरी केव। सो खंडागिरी केव, ये सब हमें इंपॉर्टेंट लग रहा था, वो सब देखते हैं। अगर बाइक रेंट पे अवेलेबल मिल जाता है तो बाइक रेंट करने के बाद हम लोग निकलेंगे यहाँ से। सो अभी हम लोग जा रहे हैं पता करते हैं जगन्नाथ मंदिर। सो जगन्नाथ मंदिर चलते हैं, पूजा वूजा करते हैं, उसके बाद कोई काम करते हैं। पापी लोग पूजा कर रहे, देख लीजिए आप लोग। तो गाइस अभी अपन है सी बीच के पास, और जैसा कि हमने बात करा था कि हम लोग बाइक रेंट पे लेंगे। मेरे और शिवम के पैर में कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो हमने सोचा कि बाइक या स्कूटी से ही चलेंगे मंदिर की ओर भी। मंदिर में भी देखेंगे, मंदिर के दर्शन भी हो जाएंगे, और उसके बाद जो अपना डेस्टिनेशन है वो सब भी कवर करना है। तो उसके लिए थोड़ा ईजी भी पड़ेगा स्कूटी से, क्योंकि स्कूटी में गियर वगैरह होता नहीं, तो अपने पैर में ज़्यादा प्रॉब्लम होगा नहीं। सो ये देखो, ये वाली शॉप है जहाँ से हमने बाइक स्कूटी रेंट पे ले रहे हैं। तो जो जो स्कूटी रेंट पे ले रहा है, दो का लाइसेंस और आधार कार्ड मांगा जा रहा है, तो वो हमने सबमिट कर दिया। पर स्कूटी का चार्ज है 500 रुपये, वो भी 12 घंटों के लिए। तो देखते हैं 12 घंटे टोटल कवर कर पाते हैं या नहीं, जो जो जगह हमने डिसाइड करा है वो सब कवर कर पाते हैं कि नहीं। तो सबसे पहले यहाँ से निकलेंगे जगन्नाथ मंदिर। तो ये वाले भैया हैं जो यहाँ पे हैं। भैया नाम बताइए अपना। मेरा नाम आकाश है। अच्छा, हमारा ये भी टूर पैकेज भी करता हूँ। अच्छा, घूमने के लिए कहीं भी जाएगा और नंबर भी दे दूंगा आपको। ठीक है। अच्छा ठीक है, नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एंड आप लोग मतलब पूरा कवर, मतलब सारा कुछ करवाते हो ना? टोटल ही सारी टूर भैया। चलो ठीक है। और जो बाइक्स, ये देखो ये पूरा पैकेज, ये मैं अगर फ़ोन से भी फोटो खींच कर डाल दूंगा आप लोगों को। सो बाइक, स्कूटी और बुलेट वगैरह सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल मिलता है। तो जो भी है उसका मैं डिटेल नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग देख सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो। भैया का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग कांटेक्ट कर लेना अगर आते हो तो उससे पहले। तो अभी सीधे मिलते हैं राइड पर। रुक जा एक मिनट। देखो अभी अपन है जगन्नाथ मंदिर के पास। मेरे साथ ये आया हुआ है सुमित, आया हुआ है, एंड वो लोग जो हैं वो लोग बाइक के पास वेट कर रहे हैं अपना। तो अभी अपन यहाँ पे हैं, फ़ोटो वोटो शूट कराते, दर्शन वगैरह करते हैं, उसके बाद निकलते हैं। सॉरी मेरा चेहरा ठीक से आ नहीं रहा होगा, बट इस मंदिर की क्या कहानी है, क्या क्या इसमें मिस्टीरियस है, वो सब मैं आपको अलग से बता दूंगा। फिलहाल फ़ोटो वोटो शूट कर लेते हैं। We'll be right back.
गाइस ये देखो लंगड़ा लंगड़ा के चल रहा हूँ और फाइनली लंगड़ा लंगड़ा के पहुँचे अपन लिंगराज मंदिर। आते टाइम ठंडा लग रहा था, कैसा लग रहा है के सुनाई नहीं दे रहा, यहाँ तक आवाज़ नहीं जा रहा होगा। गार्डन काफ़ी अच्छा है, लेट अस सी। सो गाइस फाइनली वी आर इन कौन सा जगह यार, कंदागिरी टेम्पल एंड कंदागिरी केव ऑल्सो। तो इस टाइप पे इस साइड है टेम्पल और अपोजिट साइड पे केव है। सो ये देखो हम मतलब कितना तगड़ा लोकेशन है कि पत्थर को काट कर केव बनाया गया है। बाकी पैर में बहुत दर्द है यार,